स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड डिपेंडिंग ऑन द नीड एंड कंटेक्स्ट। स्पीड इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। हमारी जरूरतों के अनुसार ही स्पीड को डिफरेंट यूनिट में हम मेजर कर सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दिस, ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। हमें पता है स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अदर कॉमनली यूज यूनिट्स आर किलोमीटर पर आर एंड माइल्स पर आर। और भी यूनिट्स हैं, जैसे किलोमीटर पर आर भी है स्पीड का यूनिट और माइल्स पर आर भी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स एंड कार्स, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज किलोमीटर पर आर देन मीटर पर सेकेंड। जब भी हम एरोप्लेन की स्पीड को मेजर करते हैं तो ये बेस्ट होता है कि हम जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में लें, ना कि मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जो एरोप्लेन होते हैं उसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, तो मीटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए किलोमीटर पर आर में वो वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट ये टेबल दिया हुआ है, ये आप इंटरनेट वगैरह से सर्च कर लेना और सभी की वैल्यू सामने लिखनी है। एलिफेंट की स्पीड कितनी है, शार्क की स्पीड कितनी है, ये सभी नेट से आप फाइंड करके लिख सकते हो, ये टेबल फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। जब भी कोई व्हीकल मूव करता है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि कितनी तेजी से वो मूव कर रहा है। हैव यू सीन ए मीटर फिटेड इनसाइड ए व्हीकल। आपको पता होगा एक मीटर व्हीकल में फिट होता है। इन ए कार द मीटर इज फिटेड ऑन द डैशबोर्ड। कार में ये डैशबोर्ड पे फिट होता है। एंड इन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स ऑन द टॉप। और जो स्कूटर्स और मोटरसाइकिल होते हैं उनके आगे ऊपर फिट होता है। दिस इज यूज टू डिस्प्ले द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल। ये व्हीकल की स्पीड और डिस्टेंस बताता है हमें। The instrument measuring the speed of the vehicle is called speedometer. एक ऐसा instrument जो vehicle की speed measure करता है उसको बोलते हैं speedometer. The distance travelled by vehicle is given by an instrument called odometer. और जो distance को record रखता है वो होता है odometer. Both of them are usually fitted together. ये दोनों ही इकट्ठे ही fit किए जाते हैं। These instrument will give the reading of the speed and the distance travelled at the same time. ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये रीडिंग स्पीड की देते हैं और डिस्टेंस की एक साथ ही देते हैं। स्पीडिंग ऑन इस रोड इज़ नॉट समथिंग टू फील प्राउड ऑफ इट। कई लोग जो हैं वो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और वो प्राउड फील करते हैं इसमें, पर ये अच्छी बात नहीं है। इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, इससे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल्स डज नॉट विद इन द सेफ स्पीड लिमिट्स अप्रोप्रिएट फॉर द रोड। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रोड की अप्रोप्रिएट स्पीड होती है, रोड पे लिखी होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही व्हीकल को चलाना चाहिए। दिस इज़ असेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल द पर्सन ट्रेवलिंग इन द व्हीकल एज वेल एज फॉर दोस यूजिंग द रोड। ये अपने लिए और जो आसपास के लोग होते हैं जो रोड पे जा रहे हैं उनके सभी की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। पर्टिकुलर केयर मस्ट बी टेकन टू ड्राइव स्लोली Close to school on windy roads and then visibility is poor. ये ज़्यादा केयर तब करनी पड़ती है जब ड्राइविंग स्कूल के पास कर रहे हों हम, ज़्यादा हवा वाले रोड जो होते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे विजिबिलिटी पुअर होती है, जहाँ पे धुंध वगैरह पड़ी हो या धुआं वगैरह हो, वहाँ पे ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है। स्टैंडिंग स्टिल और गोइंग स्लोली इज ए स्पीड लेन कैन ऑल्सो बी डेंजरस। रोड पे खड़े रहना मेन रोड पे और ज़्यादा स्लोली चलना स्पीड लेन पे, ये भी डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि पीछे से आके कोई मार सकता है फिर आप में। नेक्स्ट, स्पीड इन किलोमीटर पर आर। जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आर में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीड डिस्टेंस गिवन है बस का 7200 मीटर है, और अगर किलोमीटर में हमने फाइंड करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 7200 डिवाइड बाय 1000। ये दो जीरो कट जाएंगी, आ गया 72/10। ये पॉइंट लग जाएगा एक रकम छोड़ के, 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलर टाइम टेकन जो है ये 1800 सेकंड है, तो इसको भी हमने आर्स में कन्वर्ट करना है तो ये डिवाइड बाय 3600 हो जाएगा। तो ये दो जीरो कट जाएंगी, ये आ जाएगा 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं हम इसको। तो स्पीड ऑफ दी जो बस है, स्पीड हमने पढ़ा था डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 7.2, टाइम है 0.5, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 14.4 किलोमीटर पर आर आ जाएगा।